हाफसाबाद में मोहल्ला मिस्री खान में गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। म्यूनसिपल कमेटी हाफसाबाद की नाक के नीचे गंदगी शहर में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, गंदे पानी की बदबू से गुजरना महाल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर हाफसाबाद से मुतालबा किया है कि यहाँ गंदे पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए ताकि गुजरने वाले शहरियों को आसानी हो सके। मजीद तफसीलात जानते हैं हाफसाबाद से अली अब्बास की इस रिपोर्ट में। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद से मुतालबा किया है कि यहाँ से गंदे पानी के निकास का इंतज़ाम किया जाए ताकि गुजरने वाले शहरियों को आसानी हो। मोहल्ला मिस्री खान के लोगों का गुजरना नामहाल, गंदे और बदबूदार पानी में गुजरकर मस्जिद में नमाज के लिए जाने वाले नमाजी परेशान। अहले इलाका मोहल्ला मिस्री खान का कहना है कि खुदा के लिए हमारे मोहल्ले में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए ताकि हमारे बच्चे हेलीकॉप्टर पर सवार होकर स्कूल और कॉलेज और हम लोग मस्जिद में नमाज के लिए बआसानी जा सके। डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद ने पूरे शहर में सफाई मुहिम का आगाज तो कर दिया, मोहल्ला मिस्री खान के लोगों के साथ सौतीले माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है। अहले मोहल्ला का कहना था कि बार बार म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद आज तक हमारे मोहल्ले की सफाई सुथराई का काम ना हो सका। उनका मजीद कहना था कि रोज़ हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। अहले इलाका का म्यूनसिपल कमेटी हाफिज़ाबाद और इनके अमले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। रिपोर्ट अली अब्बास, PSTV हाफिज़ाबाद।